बच्चों देखो लकड़ी के हमारे पास ये दो टुकड़े हैं, एक ये बड़ा टुकड़ा है इसको देखो हमने यहाँ रख दिया, और ये हमारे पास एक छोटा टुकड़ा है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये कौन सा लकड़ी का टुकड़ा ज्यादा स्थान घेर रहा है? बड़ा वाला। बड़ा वाला ज्यादा स्थान घेर रहा है, क्यों ज्यादा स्थान घेर रहा है ये भी बता सकते हो? नहीं, नहीं बता सकते। हम बताते हैं तुम्हें, क्योंकि ये बड़े लकड़ी के टुकड़े का आयतन ज्यादा है इसलिए अधिक स्थान घेर रहा है, और छोटी लकड़ी के टुकड़े का आयतन कम है इसलिए ये कम स्थान घेर रहा है। अब तुम हमसे पूछोगे कि आयतन क्या होता है, जी, है ना जी। क्या आपने तो कह दिया उस बड़ा टुकड़े का आयतन ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा स्थान घेर रहा है, और छोटे टुकड़े का आयतन कम है इसलिए कम स्थान घेर रहा है। तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि आयतन क्या होता है। अब मान लीजिए तुम्हें इसका आयतन निकालना है जी। तो तुम्हें इसका इस टुकड़े की ये लंबाई जी। ये चौड़ाई जी। ये क्या है लंबाई है, और इधर वाली क्या है चौड़ाई, और ये है इसकी ऊंचाई, ये नापना होगा जी। और आयतन निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से और चौड़ाई को ऊंचाई से, यानी आयतन क्या हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो किसी चीज का आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो हमारे पास एक ये डिब्बा है, ये बहुत बड़ा है जी। अब ये स्थान ज्यादा घेर रहा है कि ये बड़े वाला टुकड़ा ज्यादा स्थान घेर रहा था, ये वाला ज्यादा घेर रहा है और भी ज्यादा घेर रहा है, उन दोनों से ज्यादा घेर रहा है स्थान। अब इसकी अगर हमको आयतन निकालना हो तो क्या करें, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। पर इसमें तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सी हम लंबाई कहें कौन सी हम चौड़ाई कहें कौन सी ऊंचाई कहें, क्योंकि किसी तरफ से ले रहे हैं सब तरफ बराबर है। अब देखो इधर से ले लिया, यही उसकी लंबाई भी है यही उसकी चौड़ाई भी है यही उसकी ऊंचाई भी है। अब हम ऐसे ले लेते हैं, देख रहे हैं अब ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई ये ऊंचाई हो गई। तो जब किसी पदार्थ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो उसे हम घन कहते हैं। ये क्या है, घन है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इसीलिए आयतन निकालने की इकाई हमने रखी है घन मीटर। ठीक है अब देखो हमारे पास ये तो हो गई आयतन की बात। अब हमारे पास कुछ ऐसे पात्र हैं बर्तन हैं जिनसे हम द्रव का आयतन माप सकते हैं जी। इससे पहले कि हम तुम्हें ये बताएं कि द्रव का आयतन इससे कैसे मापेंगे जी। क्या तुम हमें बता सकते हो कि जो घर में तुम्हारे दूध देने आता है जी। हैं वो किसी पात्र से नाप के तुम्हें दूध देता है ना जी। है ना जी। कैसे नापता है वो, लीटर में उसके पास वो जो नपना होता है वो एक लीटर का या आधा लीटर का नपना होता है जिसको दूध से पूरे लबालब भर देता है जी। और उसके बाद वो लौट देता है तो उसके अंदर का जो आयतन है उतना ही दूध तुम्हें मिल जाता है। अब जैसे ये हमारे पास पात्र है ये भी एक प्रकार का नपना है, इसके अंदर का जो आयतन है ये आधा लीटर है, यानी 500 मिलीलीटर या हम उसको कह सकते हैं 500 घन सेंटीमीटर। अगर हम इसको पूरा पूरा भर दें द्रव से, देखो हम इसको पूरा पूरा द्रव से भर दे रहे हैं, इसको हमने देखो पूरा डबाडब द्रव से भर दिया जी। ये देखो पूरा हमने देख रहे हो जी। पूरा इसको द्रव से भर दिया जी। तो अब इसमें पानी कितना आया, आधा लीटर, ज्यादा तो नहीं आया नहीं। क्योंकि इसकी जो अंदर का आयतन है जी, वो कितना है 500 लीटर, और जो द्रव इसमें भरा जा रहा है वो इसके अंदर का आयतन घेर ले रहा है जी। तो इसका मतलब जब भी हम इसे डबाडब भर देंगे जी, और किसी चीज में लौटेंगे तो उस द्रव का आयतन कितना होगा, आधा लीटर। ये आधा लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया जी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पात्र के अंदर का जो आयतन है जी, वो उसकी धारिता कहलाता है जी। जो भीतरी आयतन है बर्तन का जिससे हम द्रव की माप करते हैं जी, वो उस बर्तन की क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। आप देखो हमारे साथ कहो, जब कोई बर्तन द्रव से पूरा पूरा भर दिया जाता है, जब कोई बर्तन द्रव से पूरा पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है, तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है।
बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसे हम उस बर्तन की धारिता कहते तो हैं। इस पात्र की धारिता क्या हुई, आधा लीटर। किसमें व्यक्त किया हमने, इसकी माप लीटर में की जाती, तभी तो तुमने कहा आधा लीटर। इसका मतलब इसकी माप किसमें की जाती है, लीटर में की जाती है। इस पात्र का धारिता आधा लीटर है, इसलिए जब भी हम द्रव इसके अंदर पूरा पूरा भरेंगे तो अंदर का पूरा स्थान द्रव घेर लेगा, और कितना स्थान घेर पाएगा, जो इसकी धारिता होगी। अब चूंकि इस बर्तन की धारिता ही आधा लीटर यानी 500 घन सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं 500 मिलीलीटर है, तो इसमें जब भी हम पूरा पूरा भरेंगे कितना द्रव आ पाएगा, आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर। या अब हमें मान लीजिए कभी कम या ज्यादा करना हो तब हम क्या करें, उसके लिए ये निशान लगे नपना आती, इसमें हमें डबाडब भरने की आवश्यकता नहीं है, हमें जितनी धारिता का बर्तन इसको बनाना है हम उस निशान तक भर देंगे। देखो इसमें निशान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या निशान इसमें बने हुए हैं, जैसे इसमें नीचे सबसे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें 10 मिलीलीटर पानी इसमें लेना हो या कोई द्रव लेना हो तो हम क्या करें, 10 के निशान तक भर दें। अगर हमें 20 मिलीलीटर द्रव चाहिए तो क्या करें, 20 के निशान तक भर दें। और अगर हम इसको पूरा आखिरी निशान तक भर देंगे तो देख के हमें बताओ कितना द्रव इसमें आएगा, 100 मिलीलीटर। अगर हम इसको आखिरी निशान तक भर देंगे तो इससे हम 100 मिलीलीटर द्रव जो है वो माप सकते हैं। पेट्रोल और मिट्टी के तेल को भी किस में बेचा जाता है, लीटर में, यानी आयतन के मापने की इकाई क्या है, लीटर है। अब ये तो हो गई धारिता की बात, अब धारिता तुम समझ गए अच्छी तरह से। ऐसे ही ये दो बर्तन हमारे पास और है धारिता मापने के, इसमें देखो इसमें लिखा है, ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कितना, 250 मिलीलीटर। यानी इसको अगर हम डबाडब भर देंगे तो द्रव इसके अंदर कितना स्थान घेर पाएगा, 250 मिलीलीटर। तो इस बर्तन की धारिता 250 मिलीलीटर है, ठीक है। तो धारिता क्या हुई, जो बर्तन के भीतरी आयतन होता है उसमें जब द्रव को भरते हैं तो क्या लेता है, द्रव पूरा पूरा स्थान अंदर का क्या कर लेता है, घेर लेता है, और वही उस बर्तन की वही भीतरी आयतन उस बर्तन की क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। ये तो हो गई धारिता की बात। जी। अब मान लीजिए धारिता के लिए हम इकाई देखें तो हम क्या देखते हैं कि एक लीटर है ये कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर हम इसको घन सेंटीमीटर में कहना चाहें या मिलीलीटर में कहना चाहें तो कितने घन सेंटीमीटर होंगे, 1000 घन सेंटीमीटर। एक लीटर कह दे या हम कह दे 1000 घन सेंटीमीटर, वो दोनों बातें क्या होंगी, एक ही होंगी ना, चाहे हम उसको एक लीटर कह दें। अगर हम घन सेंटीमीटर में कहना चाहें तो चाहे उसको हम क्या कह दें, घन सेंटीमीटर में कह। अगर हम मान लीजिए कहते हैं तुमसे 1 रुपया या हम कह दें 100 पैसे, तो बराबर है ना दोनों ही चीजें। ऐसे ही हम चाहे 1 लीटर कह दें चाहे 1000 घन सेंटीमीटर कह दें, वो हमेशा उसकी धारिता 1 लीटर ही रहेगी। अब 1 घन मीटर क्या होगा, अगर हम 1000 लीटर ले लें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 घन मीटर के बराबर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा आयतन में हमें किसी चीज को नापना होता है तो उसके लिए हमारे पास इकाई है 1 क्यूसिक। क्यूसिक क्या होता है, 1000 घन मीटर लेते हैं तो वो इतने 1 क्यूसिक के बराबर। तो जैसे जैसे हमें धारिता नापनी होती है, कम द्रव नापना है तो छोटी इकाई से लेते हैं, ज्यादा होता है तो और बड़ी इकाई ले लेते हैं, और बहुत ज्यादा होता है तो उससे हम बड़ी इकाई लेते हैं। तो अब ये तुम्हारी धारिता और इसका मात्रक तुम्हारी समझ में आ गया। अब देखो हम बात करते हैं द्रव्यमान की। हम ये दोनों समान धारिता के बर्तन लेते हैं, दोनों में 250 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। अब हम देखो एक को हम इतना पानी से भरते हैं और दूसरे को हम और कुछ ज्यादा पानी से भर देते हैं। दोनों की धारिता बराबर है, दोनों एक ही आकार के बर्तन है, दोनों भार में बराबर हैं। लेकिन अब जब हमने इसमें द्रव भर दिया तो अब ये बताओ इसका भार ज्यादा होगा कि इसका भार ज्यादा होगा, इसका। ये भार इस बर्तन की वजह से ज्यादा है,
नहीं। किस वजह से ज्यादा है? पानी जो भरा है वो इसमें ज्यादा भरा है, इसमें कम भरा है, यानी द्रव्यमान जो पदार्थ इसमें भरा है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है। इसमें ज्यादा पानी भरा है इसलिए ये भारी होगा, इसमें कम पानी भरा है इसलिए ये हल्का होगा। तो द्रव्यमान क्या हुआ? उस पदार्थ की मात्रा, जितनी मात्रा उसमें होती है वो उस पदार्थ की द्रव्यमान कहलाती है। अब देखो हम ये तुम्हें दोनों चीजें देते हैं, ये बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है ये भारी होगा कि ये भारी होगा? तुम देख के बता सकते हो ये वाला भारी होगा ना, ये हल्का होगा। क्यों है ऐसा? इसमें लकड़ी ज्यादा है, इसमें लकड़ी की मात्रा अधिक है इसलिए इसका द्रव्यमान भी अधिक है, इसमें लकड़ी की मात्रा कम है इसलिए इसका द्रव्यमान भी कम है। अब द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? अगर हमें तौल के कोई चीज लेनी हो तो किसमें नापते हैं? सब्जी खरीदते हो देखा कभी, खरीदी सब्जी किसमें तौलते हैं? किलो में। तो द्रव्यमान को मापने की इकाई किलोग्राम है। अब क्या कहते हैं द्रव्यमान को? क्या कहते हैं? हमारे साथ बोलो, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके पदार्थ की, उसके पदार्थ की मात्रा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? उसके पदार्थ की, उसके पदार्थ की मात्रा है। और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। और एक किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टाग्राम के, एक हेक्टाग्राम बराबर होता है 10 डेकाग्राम के, और एक डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम के। ठीक है, तुमने देखा तुम कि इन दोनों बर्तनों में जिसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है वो भारी था, जिसमें कम पानी भरा हुआ है वो हल्का था। हालांकि दोनों बर्तनों का भार बराबर है, दोनों की धारिता भी बराबर है, फिर ये भार में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन क्यों आया? इसलिए आया कि एक में पदार्थ की मात्रा अधिक है, दूसरे में पदार्थ की मात्रा कम है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होता है। पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है। अब मान लिया ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये एक बड़ा डिब्बा है, इसके अंदर कोई चीज भरी हुई है, और ये एक, इसमें कोई चीज नहीं भरी है, ये है, और इसमें हमने कुछ भर रखा है इसके अंदर। ये बड़ा है, ये इससे छोटा है। अब इसमें द्रव्यमान किसका अधिक होगा? क्योंकि इसके अंदर हमने भरा है इसलिए इसका द्रव्यमान अधिक है, इसका द्रव्यमान कम है। लेकिन छोटे और बड़े से अंतर नहीं होता। मान लीजिए इसकी जगह पर हम ऐसा कोई लोहे का टुकड़ा इतना बड़ा ले लेते तो लोहे का द्रव्यमान अधिक है, उसमें लोहे की मात्रा अधिक होगी, छोटी सी जगह में मात्रा अधिक होगी, इसलिए भी उसका द्रव्यमान अधिक हो सकता है। यानी द्रव्यमान केवल पदार्थ की मात्रा पर नहीं उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगर बहुत पास पास उसके अणु हैं और उसका द्रव्यमान ज्यादा है, छोटी सी जगह में ज्यादा पदार्थ की मात्रा आ गई है तो भी उसका द्रव्यमान अधिक हो जाए। यानी द्रव्यमान क्या है वहीं पर, हम लौट के वहीं आते हैं। द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा है। कहीं छोटी सी जगह में अधिक पदार्थ आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, कहीं बड़ी सी जगह में कम पदार्थ आएगा रखा जाएगा तो उसके द्रव्यमान कम हो जाएगा।